आज जूस क्यों नहीं पी रही हो भाई? बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। हारून, मैं रात को डिनर पे नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? इस लड़की ने प्रेगनेंसी को पता नहीं क्यों बीमारी समझ के अपने सर पे तारी कर ली। हर वक्त मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कह सकती, मैं वो नहीं खाऊंगी, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अम्मी, अगर भाभी नहीं जाना चाहती तो इनको फोर्स मत करें। अच्छा यार, क्या हो गया आप लोगों को? सुबह सुबह नाश्ते की टेबल पे इतनी बहस। देखो, सुल्तान साहब ने हम सबको इनवाइट किया, अगर तुम नहीं जाओगी तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना। तो ये सब लोग जा तो रहे हैं आपके साथ? हाँ, लेकिन मेरी मिसेस तो तुम, उन्होंने खास तौर पर मिस्टर एंड मिसेस करके इनवाइट किया है। एक और बात भी है जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ जाओ। दरअसल अम्मी को रिदा के लिए सुल्तान साहब बहुत पसंद आए। शायद आज हम सब होंगे तो रिश्ते की बात भी कर ली जाए। मैं चीनी लेकर आती हूँ। उन्होंने खुद आपसे ये कहा है या ये सिर्फ अम्मी की ख्वाहिश है? नहीं, अम्मी की ख्वाहिश भी है, और तुम अच्छी तरह जानती हो सुल्तान साहब मुझे भी बहुत पसंद है। और हम इस बात पर इतनी बहस क्यों कर रहे हैं? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं अपनी जैकेट लेके आ रहा हूँ, शाम में बात करते हैं। देखो बेटा, हारून बहसियत भाई अपनी बहन के रिश्ते के लिए सुल्तान साहब से बात नहीं कर सकता। तुम भाभी हो, समझदार हो, तो क्यों ना इशारतन या बातों बातों में उन्हें तुम इस रिश्ते के लिए कायल कर लो। तुम यकीन जानो कि अगर ये रिश्ता हो गया ना तो मैं सारी ज़िंदगी दिल से तुम्हारी मशकूर रहूँगी। अब मैं जानती हूँ तुम एक समझदार लड़की हो, तुम ये कर सकती हो। अम्मी, बात सीधी सी ये है कि मैं तो इस रिश्ते के ही हक में नहीं हूँ। रिदा सिर्फ मेरी नंद नहीं, मेरी बहन है। और सुल्तान दुरानी जैसे बदनाम जमाना शख्स के साथ मैं रिदा की शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। लो भाई, तुम्हारी बीवी ने तो साफ मना कर दिया जाने से। ये तो चाहती ही नहीं है कि मेरी बेटी की शादी हो। सुल्तान साहब से हमारे घरेलू ताल्लुकात अच्छे हो, इसको पसंद ही नहीं है ये बात। इसी वजह से इसने जाने से साफ इनकार कर दिया बहाना बना के। मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। बस, तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे तुम्हारे साथ सख्ती करना अच्छा नहीं लगता। हम शाम में जा रहे हैं और हम सब जा रहे हैं, तुम प्लीज तैयार है। मसला क्या है? चाहते क्या है आप हम सबसे? क्या हो गया रिदा? ये सवाल मुझसे नहीं, अपने आप से पूछे। हो क्या गया है भाभी आपको? आपके इस अजीब से रवैये की वजह से घर में कितनी टेंशन है, इस बात का अंदाजा है आपको? भाई सुबह से शाम हमारे लिए मेहनत करते हैं ताकि हमें अच्छा लाइफ स्टाइल दे सके, लेकिन आप तो है ही नाशुक्रे। आपसे उनकी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। और सुल्तान के रिश्ते की मुखालफत करने वाली आप कोई नहीं होती। सही, तो असल मसला ये है। आखिर आप सुल्तान को इतना नापसंद क्यों करती हैं भाभी? और तुम सुल्तान के बारे में इतनी खुशफहम क्यों? उसने तुम्हें कहा है वो तुम्हें पसंद करता है? उसने तुम्हें प्रपोज किया है? सिर्फ डिनर पे इनवाइट करने का मतलब ये नहीं होता कि वो तुम्हें पसंद करता है या तुमसे शादी करेगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसा हो भी तो सकता है। क्या तुम उसे पसंद करती हो? पसंद का मुझे नहीं पता, लेकिन शुरू से ही सुल्तान जैसा शख्स मेरा आइडियल रहा है। तुम उसके बारे में जानती ही क्या हो? वो एक अच्छा आदमी नहीं है रिता। आप होती कौन है मेरी जिंदगी के बारे में फैसला करने वाली कि मुझे किससे शादी करनी चाहिए किससे नहीं करनी चाहिए? मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह समझती हूँ।
मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा है। मैं जानते बूझते तुम्हें किसी अंधेरे कुएं में नहीं ढकेल सकती। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं, जैसी आप नजर आती ना वैसी आप हैं नहीं। देर से ही सही, लेकिन आपका असल चेहरा तो मेरे सामने आ ही गया।